डॉक्टर संदीप प्रेमी, पेशेंट नेम मिस्टर भूपेंद्र जालानी, 25 ईयर मेल पेशेंट, एक्यूट रीनल फेलियर का केस है ये। जैसा कि आपने पहले बात करी थी, इनका लेवल था 7 क्रिएटिनिन लेवल, उसके बाद में धीरे धीरे डिक्रीज होके ये 5.3, 3.23 और अभी क्रिएटिनिन लेवल है 1.4। अब भूपेंद्र जालान जी अपने एक्सपीरियंस बताएंगे होम्योपैथी मेडिसिन लेने के बाद में कि इनको कैसा लग रहा है, क्या है। सर, बॉडी में थोड़ा आराम मिल गया, पर काम करने में अच्छा होने लगा। और इसके अलावा होम्योपैथी ट्रीटमेंट ही लूँगा मैं। हाँ, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लूँगा। अच्छा, पहले आपको भरोसा था होम्योपैथी मेडिसिन पे? हाँ, भरोसा था। पहले आपने लिया कभी ट्रीटमेंट? बचपन में लेता था। अच्छा, उसके बाद में जब मैंने आपको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया तो आपको लगा था कि आपकी इतनी बड़ी बीमारी है जिसके लिए पेशेंट डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, हमेशा डायलिसिस करना रहना पड़ेगा, ये छोटी छोटी दवाई गोलियों से आपको इतना फ़र्क पड़ जाएगा? था विश्वास था। अच्छा, इतना विश्वास था। तो अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? आराम, मतलब अभी पूरे आप क्योर हो गए हैं, आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है 8 से लगभग 1.4 के करीब आ गया है। बॉडी में ताकत आ जाए, थोड़ी बॉडी में ताकत। ये है पूनम जालानी, भूपेंद्र जालानी की वाइफ। कैसा लग रहा है आपको मिसेज जालानी? अभी आपने सजेस्ट किया था होम्योपैथी मेडिसिन के लिए। मैंने क्या है कि मैं डॉक्टर की दवाई दिलाते थक गई थी, पैसे भी बहुत बर्बाद हुए मेरे। फिर मन में भी सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी पूरा जवाब नहीं देता था, ऐसे कहता था किडनी ट्रांसप्लांट किडनी चेंज करवानी पड़ेगी और पानी तो हमेशा ही ज़िंदगी भर भरेगा। मैंने 2-4 बार डॉक्टर से पूछा भी, मैंने डॉक्टर साहब पानी का हमेशा ही भरेगा, तो मैं घर पर आके बिल्कुल नर्वस हो जाती थी, रो लेती थी, मैंने कब करें तो क्या करें। फिर मैंने आपसे मिली तो मेरे को थोड़ा सा वो, उन्होंने बोला कि नहीं वो डॉक्टर अच्छे हैं, आप एक बार उनको दिखाओ। तो मैंने कहा, फिर मैंने कहा कैसे भाई दोनों का ट्रीटमेंट साथ कैसे चलेगा? तो फिर वो दीदी ने कहा कि नहीं, और डॉक्टर के साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी साथ चल जाता है। अच्छा। मैं आपको डॉक्टर से मिलवा देती हूँ। मैंने कहा मिलवा दो, आपकी दवा से बहुत फर्क। कितने दिन तक चला था इनका ट्रीटमेंट और आप बताइए पहले कैसा था, अभी कैसा है? नहीं, इनका ट्रीटमेंट सितंबर में एडमिट हुए थे वहाँ पे कल्ला हॉस्पिटल में, तो हम रहे सितंबर में, इनको एडमिट करवाया था मैंने 27 सितंबर को, 27 सितंबर से 8 सितंबर तक, अक्टूबर तक हम कल्ला हॉस्पिटल में रहे, 8 से 18 तारीख तक बड़े हॉस्पिटल रहे, फिर 18 के बाद हम डिस्चार्ज होकर घर आ गए। अच्छा। जब से मैंने आपका ट्रीटमेंट लिया, पर शायद मार्च से लिया। अच्छा। या आधा फेब से। हाँ, जब से बहुत फर्क है। हाँ, अब कम से कम ये सेटिस्फाई है कि कितना पानी पीते हैं मेरे को टेंशन नहीं होती। अच्छा, अभी खुद पानी पीते हैं? अभी पानी वहाँ आराम से पीते हैं। अच्छा। मैं मानती हूँ, क्योंकि घर पे भी लड़ाई होती थी पानी की वजह से। अभी कितना पानी पीते हैं उससे मुझे टेंशन नहीं, पर यह वेट कम हो गया। अच्छा, वेट कितना वेट कम हो गया इनका? इनका वजन था, जैसे कि बता रहे हैं अभी 87, हाँ 88 के करीब था, पर डॉक्टर ने जब मैं इनको जब एडमिट अभी बोला था रिसेंटली, उसमें लिखा हुआ है पर्ची में तो 89 लिखा हुआ है उसका। अच्छा। तो क्या घर की मशीन से 1 किलो का फ़र्क पड़ जाता है, तो डॉक्टर ने 89 लिखा है, तो 89 से 87 वो क्या 77 आ गया। तो अभी आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं कि इन छोटी छोटी गोलियों के अंदर कितना मतलब जादू ही बोलेंगे आपकी? कुछ तो आई करामात। अच्छा। क्योंकि घर वाले भी खुश है और हम भी खुश है, और मम्मी जी पापा जी बहुत खुश है कि चलो ये दवाइयाँ, इसने दवाई कितनी दवाई खाएगा ये भाई, एलोपैथी की दवाई खाने से ना इसके शरीर में बॉडी में इतनी रिक्वायरमेंट, इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा हो गई है, तो वो सब लोग खुश है। अच्छा, चलिए, ये थी एक सक्सेसफुल स्टोरी एक किडनी पेशेंट की, जिनको किडनी फेलियर बता दिया गया था और उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट का भी इन लोगों ने सोचा था, डायलिसिस से ये बहुत परेशान थे। डॉक्टर ने बाद में ये भी कह दिया था कि इनका हार्ट है ना 35 ही काम कर रहा है, इससे किडनी ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकती, तो बस ये दवाइयाँ से ज़िंदगी चलाओ जब तक चल रही है। ओके, तो आपने देखा कि किस तरह से एक गंभीर परेशानी है किडनी फेलियर, उसका इलाज भी होम्योपैथी में संभव है। तो आप भी होम्योपैथी को चुने और ऐसी जटिल बीमारियों से आप भी बच सकते हैं। मैं डॉक्टर संदीप प्रेमी, अभी जब बल्कि इन्होंने बीच में मना भी किया था कि नहीं मैं तो डॉक्टर की दवा नहीं लूँगा, मैं तो सिर्फ होम्योपैथिक दवाई ही खाऊँगा, पर फिर आपने बोला कि नहीं दोनों साथ लेती हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो इनको तो अब यह है कि मेरे को सिर्फ होम्योपैथिक दवाई लेनी है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, वो दवाइयाँ बीच में नहीं छुड़ा सकते हैं हम,
वो दवाइयाँ चलती रहें, आपको भी सेटिस्फेक्शन रहता है, और जैसे जैसे हमारी दवाइयों का इफेक्ट आएगा वैसे वैसे अंग्रेजी दवाइयाँ अब इनके से इतना बंद होती जाती हैं। कम से कम पहले इतनी सी एक रूम से दूसरे रूम में जा नहीं सकते थे, एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे, अब कम से कम ये है कि आराम से ये इधर उधर घूम लेते हैं, कर लेते हैं, थोड़ा सा आराम से कर लेते हैं, तो कभी कभार बाइक भी चला लेते हैं, बहुत है। सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते इनको 20 मिनट लग जाते थे, अभी एक एक सांस में एक बार में सीढ़ी में पूरी चढ़ जाती। चलिए, थैंक्स टू होम्योपैथी।